इसलिए हम तो यही कहते हैं कि हमारी माँ की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाना जरूरी नहीं है। सिर्फ हमारी यही मांग है गोचरण भूमि मुक्त हो, कहना गोचरण भूमि मुक्त हो। आइडेंटिटी कार्ड तो ये बात की बातें हैं, ये सरकार हमें आइडेंटिटी कार्ड बनाकर हमें अपने वादे मुद्दे से वार्तालाप से बौखला रही है, हमारा रास्ता कहना भटका रही है। हमारा रास्ता वो नहीं है, हमारा रास्ता गोचरण भूमि को मुक्त करने वाला है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड वाला रास्ता नहीं है। जो 80% हिंदू हैं कहना वो क्या उन कहना सबके लिए आइडेंटिटी कार्ड कहना जारी करेगी सरकार। और एक बात सोचने की है जी, अगर मान ले कोई एक आम आदमी साधारण आदमी कहीं से गुजर रहा है और उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और वहाँ पर कहना गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या वो बिन आइडेंटिटी कार्ड के उस अत्याचार में उसको बचाने के लिए कहना कूदेगा? नहीं, जरूर कूदेगा जी वो उसको बचाने के लिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ आइडेंटिटी कार्ड का मुद्दे से हमारे को हमारी वार्तालाप से हमारे मुद्दे से बौखलाए ना, रास्ते से भटकाए ना, अपने मेन मुद्दे पर आकर खट्टर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करे, संत गोपाल दास की मांगों को पूर्ण करे, हमारे सोनू आर्य भाई की मांगों को पूर्ण करे। हम इसके साथ हैं, पार्टी के साथ नहीं, हम किसी भी राजनीति से या कोई भी राजनीति हम नहीं करना चाहते। सिर्फ हम गौ माता के नाम की के ऊपर कोई राजनीति नहीं कि हम करना चाहते। जो गौ माता है वो 90 करोड़ या 125 करोड़ भारतीयों की माँ है, वो सबकी माँ है। वो जब किसी को दूध पिलाती है तो वो ये नहीं देखती वो हिंदू है, मुसलमान है, जैनी है, सिख है या ईसाई है या यहूदी है या पारसी है। वो निस्वार्थ भाव से सबको दूध पिलाती है। इसी प्रकार 125 करोड़ भारतीयों को निस्वार्थ भाव से उसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। नहीं कि हम कूदोगे तो फिर हमको अपनी वाले पर आकर मतलब अपना उग्र रूप धारण करके हमें भी इस लड़ाई में कहना कूद कर अगर क्या जान की बाजी देनी पड़ी तो जान की बाजी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कहती है कि हम गोचरण भूमि को रिलीज कर देंगे गायों के लिए, वो करेंगे। सरकार आने से पहले इन लोगों ने 100 वादे किए थे, आज तक एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। हमारे से भी यहाँ के जो स्थानीय विधायक MP है उन्होंने प्रचार में ये कहा था कि हम गायों के लिए एम्बुलेंस जारी करेंगे जो सरकारी व्यवस्था पर चलेगी, और जो गोरक्षा दल के बेरोजगार युवक है जिनके घर परिवार से कुछ भी रोजगार का कार्य नहीं है उनको हम रोजगार अपनी तरफ से देंगे, परंतु वो भी झूठे ढकोसले निकले हैं इनके। और मैं और मेरे समाज सेवा संस्थाओं से भी हैं, उन लोगों ने भी समर्थन दे के जा चुके हैं, CID वाले आके चले जाते हैं, उनको हमारे दोस्तों ने बताया कि हालत कई बार ख़राब हो चुकी है, ना तो DC ना MP ना यहाँ के विधायक है, कविता जैन मंत्री है हरियाणा सरकार में, उन लोगों ने आके हमारा कोई भी हालचाल नहीं पूछा है। आज जिस प्रकार से गौचरण की भूमि के लिए भी हमारे भाइयों को आंदोलन करना पड़ रहा है, अनशन पर बैठना पड़ रहा है, जो BJP सरकार ने वादे किए थे और गौ गीता और गंगा के नाम पर इन्होंने वोट लेने का काम किया था, परंतु सरकार बनते ही जो गौचरण की हर गांव में भूमि होती है वो जो बेशकीमती करोड़ों रुपए की भूमि है उस पर आज BJP के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का और इनके जो ठेकेदार हैं उनकी नज़र पड़ी हुई है। इसलिए आज गोचरण भूमि को छुटाने के लिए भी हमारे भाइयों को जिस प्रकार आंदोलन करना पड़ रहा है बेहद निंदनीय है। सरकार से मांग करते हैं कि गोचरण भूमि को छोड़ा जाए और गौओं की रक्षा की जाए, जो इतना लाखों का करोड़ों का जो बजट है उसका हिसाब दिया जाए वो कहाँ पर जा रहा है। और ये लोग जिस प्रकार आज भी हमारे गायें हैं, बैल हैं, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, रोजाना हादसे हो रहे हैं, ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। सरकार मुर्दाबाद।